हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सी राखी लेकर आई हूँ। तो उससे पहले आप लोग इस वीडियो को 2000 लाइक तक जरूर पहुँचाएं। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग इस वीडियो को 2000 लाइक तक पहुँचाएंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आज ही आप लोग 2000 लाइक तक इसको पहुँचा देंगे। तो इस वीडियो को 2000 लाइक तक पहुँचाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा लाइक नहीं है, 2000 सिर्फ करने हैं, तो ज़रूर करें। और देखिए, बहुत ही खूबसूरत राखी है, इसको बनाना बहुत ईजी है, कोई भी इसको बना सकता है। सिर्फ 5 मिनट में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो स्टोन लगाकर इसको और भी खूबसूरत कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे और इस रिंग के अंदर हम 2 चैन बनाएंगे, ठीक है। देखिए, चैन बनाने के बाद 2 हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, इसके अंदर डालकर 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, वापस 1 और सिंगल क्रोशिया। देखिए, 2 सिंगल क्रोशिया बना दिया, अब 2 हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया और वापस में डालकर 1 और डबल क्रोशिया। देखिए, 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए, इस ऊन को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, अब हम दूसरे कलर की ऊन को ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे। अब इसमें मैं गार्ड बनाकर पहले लगा देती हूँ। देखिए देखिए, अलग कलर आप अपने हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी राखी लगती है, किसी भी कलर में बनाए बहुत सुंदर लगती है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस कलर की ऊन से भी मैं 2 चैन बना लूँगी। देखिए, 2 चैन बनाऊँगी मैं। अब देखिए, इसमें 1 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी पहले, फिर वापस इसी में डाल के 1 और सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, ठीक है। 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है हमें और 2 डबल क्रोशिया बनानी है, जैसे अभी हमने बनाया था सेम वैसे ही बनाना है, ठीक है। देखिए, 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब इस ऊन को छोड़ देंगे हम, और जो रेड कलर की हमने मैजिक रिंग बनाई थी, इस रिंग को हम खींच लेंगे इस तरीके से, तो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, बहुत इजी है, यहाँ से बहुत सरल है, आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिए, अब मैंने रेड कलर की ऊन में क्रोशिया डाला है। अब देखिए क्या करेंगे, हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमने 4 बार बनाया था, 2 सिंगल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। इसके अंदर हम 1 चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, सेकेंड वाले में डालकर सेकेंड चैन में डाली मैंने, यहाँ पर देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 डबल क्रोशिया बनाया, वापस इसी में डालकर 1 और डबल क्रोशिया बनाया, ठीक है, 2 हो गया। अब तीसरे वाले में डालूंगी, यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए, 1 डबल क्रोशिया, वापस इसी में डालकर 1 और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए, अब ये लास्ट वाले में डालूंगी, इसमें भी मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए, 1 डबल क्रोशिया बनाया, वापस इसी में डालकर 1 और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए, 2 हो गई। देखिए, इस तरीके से बना रही हूँ, ठीक है। अब इस रेड वाली ऊन को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। अब मैं इस कलर की ऊन को लूँगी और देखिए, इसको इस तरीके से किया। अब इसमें हम डालेंगे, फर्स्ट वाली चैन में डालेंगे रेड वाले में यहाँ पर, और इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 1 डबल क्रोशिया बनाया, वापस इसी में डालकर 1 और डबल क्रोशिया बनाया। देखिए, देखिए, वापस इसी में डालकर 1 और डबल क्रोशिया बनाया, ठीक है। अब सेकंड वाले में डालेंगे, इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 1 डबल क्रोशिया बनाया, वापस इसी में डालकर 1 और डबल क्रोशिया बनाया, ठीक है। अब तीसरे वाले में डालेंगे, इसमें भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, वापस इसी के अंदर डालकर 1 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, देखिए 3 हो गया। देखिए, 3 हो गए। अब चौथे वाले में हम डालेंगे, इसमें भी हम सेम इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, वापस इसी में डालकर 1 और डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब पाँचवीं वाली चैन में डालेंगे, पाँचवीं चैन में भी हम ऐसे ही करेंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, वापस इसी में डालकर 1 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, बना लिया। अब देखिए क्या करेंगे हम, देखिए इस तरीके से बन गया। आप देखिए क्या करेंगे, हम इसमें चैन बनाएंगे। तो जितनी भी आपको चैन रखनी है, जितनी लंबी उतनी चैन बना लें दोनों साइड में। तो मैं दोनों साइड में चैन बना के फिर आपको दिखाऊंगी। देखिए, मैंने 25-25 चैन बनाई है दोनों साइड में। अब यहाँ पर मैं स्टोन लगाऊंगी। अब मैंने एक साइड में मोती लगा लिए, दूसरी साइड में मोती लगाना आपको बताऊंगी कैसे लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इस तरीके से धागा डाल देंगे और इसको ऊन में इस तरीके से फंसा लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम मोती डालेंगे, देखिए 1 2
तीन आप अपने हिसाब से मोती डाल सकती हैं, अगर आपके पास कलरफुल मोती हैं तो आप उसमें से भी डाल सकते हैं। देखिए देखिए दोनों साइड में मोती डाल दी है। अब आप चाहें तो इसमें स्टोन भी लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत राखी है, बहुत प्यारी लगती है। हो सकता है कैमरे में इतनी अच्छी कैप्चर नहीं हो पा रही है, बट ये रियल में बहुत ही प्यारी राखी है। आप अगर बनाएंगे तो कोई बिलीव नहीं करेगा कि ये राखी आपने बनाई है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, 2000 लाइक तक पहुँचाना है, और कमेंट जरूर करें। आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, जब तक आप इसको इन्जॉय करें। बाय।